नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत गही लोगोड़ के गांव दुर्ग में बनी 700 मीटर लंबी और 9 फुट चौड़ी सड़क का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। जहां एक तरफ पूरा गांव है तो दूसरी तरफ एक ही परिवार के कुछ सदस्य। वर्ष 2004 में खंड विकास कार्यालय द्वारा मनरेगा के तहत इस सड़क का निर्माण करवाया गया था। इस सड़क के निर्माण में सभी गाँव के लोगों द्वारा कार्य किया गया और जो एक परिवार अब इस रास्ते को बंद कर रहा है वह परिवार भी उस समय इस कार्य में लगा हुआ था। इस सड़क निर्माण कार्य में खंड विकास कार्यालय द्वारा लगभग 22 लाख रुपए खर्च हुए हैं। दुर्ग गांव की महिला मंडल की प्रधान पूनम पठानिया ने बताया कि ये सड़क वर्ष 2004 में खंड विकास कार्यालय द्वारा गही लगोड़ पंचायत के माध्यम से बनाई गई थी। ये सड़क नेशनल हाईवे से 700 मीटर लंबी और 9 फुट चौड़ी है। दुर्ग गांव के लगभग 500 लोग इस सड़क में आते जाते हैं। इस सड़क से किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं आई है। पूनम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से केवल सिंह, राज वंसला, पंकज, अंकित, रघुनाथ सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है। दुर्ग गांव की महिला मंडल प्रधान के नेतृत्व में नूरपुर के एसडीएम व नूरपुर के खंड विकास अधिकारी और नूरपुर के विधायक के पास गए और रास्ता रोकने की शिकायत की। एसडीएम ने मौका देखा और मौका देखने के बाद नूरपुर के खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जितनी सड़क कागजों में है उतनी सड़क को खुलवा दिया जाएगा। उस समय पंचायत द्वारा सड़क को खुलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी गांव वाले किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी खुलवा दिया जाए। अगर प्रशासन रास्ते को नहीं खुलवाती है तो दुर्ग गांव की महिला मंडल धरना प्रदर्शन करने पर उतारू होंगी। नमस्कार, मैं महिला मंडल की प्रधान पूनम पठानिया दुर्ग से, महिला मंडल दुर्ग से। और यहाँ पे जो समस्या चल रही है रास्ते के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जो है वर्ष 2004 से ये रास्ता जो था बिल्कुल अच्छा था, मतलब चले हुए थे यहाँ पे लोग, खुला था रास्ता, यहाँ पे लोग आते जाते थे, 500 की आबादी थी। जब से ये रास्ता मतलब खुला है लोगों को कोई समस्या नहीं थी। और कुछ एक दिनों में ऐसा हुआ है कि ये रास्ता जो है कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। जैसे कि जो बीच में आते हैं अंकित बाछला देवी और दो तीन मेंबर और हैं उनके साथ, उन्होंने ये रास्ता पता नहीं किस कारण बंद कर दिया है। और हम इस अकॉर्डिंग अपने जो है विधायक एसडीएम साहब और बीडीओ साहब के पास गए थे और इसकी हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारा ये रास्ता खोल दिया जाए। और उन्होंने अपने जो है वहां से बीडीओ साहब को भेज के ग्राम पंचायत से बोल के ये रास्ता खुल भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने ये रास्ता बंद करने की कोशिश की है। और जिसके कारण हमें ये समस्या हो रही है कि हमें आने जाने में समस्या हो रही है, गाड़ियों को आने जाने में समस्या हो रही है। और हम जो है महिला मंडल की जो भी मेंबर्स हैं सभी, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी जो है कि खोला जाए। और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो। यहाँ की जो लेडीज हैं मतलब अपने अंडर जो भी काम कर रही है रिक्वेस्ट कर रही है, ना तो वो लेडीज जो हैं झगड़ालू हैं, ना लड़ने वाली हैं और ना ही मतलब वो लड़ाई चाहती हैं। वो चाहते हैं कि ये रास्ता जैसा था वैसा ही चलने दें, इसको बंद ना करें। तो हमारी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस रास्ते को जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने दें और जल्दी से जल्दी इसको इसका हल निकाला जाए। बबली देवी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से केवल सिंह, राज वंशला, पंकज, अंकित, रघुनाथ सहित कुछ अन्य के द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है और उनके द्वारा लड़ाई झगड़ा भी किया गया है। मैं महिला मंडल की सदस्य है, कलंदे उत्थै हरा रास्ता बना दा हा, कने वो हां गए ओ पत्थर पुत्थर चुका दे हे, ते हुन हाड़े कन्नै हत्थे फाई करी दित्ती। कने उंदा उंदा ता मुंडा मेरे नाल हत्थे फाई करी दित्ती, उन्नी मेरी ना एक कमीज फाड़ दित्ती और चुन्नी भी लेई गई, पता नहीं कुत्थां लेई गई, कुत्थां नहीं, ते मैं फिर कुसे तो लिया हा ते मैं लिया, ते ओ मान नहीं रहे थे। वहीं गांववासी पंकज कुमार ने बताया कि हमारे गांव में जो सड़क की समस्या चली हुई है वो पिछले काफी दिनों से चल रही है। गांववासी यही चाहते हैं कि आपस में मिल बैठकर इस समस्या को हल कर लें, लेकिन पंचायत द्वारा रास्ते को खोलने के बावजूद जब महिला मंडल की औरतें मौके पर आई तो उन लोगों के द्वारा महिला मंडल के साथ धक्का मुक्की की गई। पहले जहां ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी, परंतु ये मामला भू माफिया से संबंधित लग रहा है। मैं महिला मंडल की सदस्य है, कलंदे उत्थै हरा रास्ता बना दा हा, कने वो हां गए ओ पत्थर पुत्थर चुका दे हे, ते हुन हाड़े कन्नै हत्थे फाई करी दित्ती। कने उंदा उंदा ता मुंडा मेरे नाल हत्थे फाई करी दित्ती, उन्नी मेरी ना एक कमीज फाड़ दित्ती और चुन्नी भी लेई गई, पता नहीं कुत्थां लेई गई, कुत्थां नहीं, ते मैं फिर कुसे तो लिया हा ते मैं लिया,
ते वो माम निरे थे। पवन शर्मा यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो रास्ते को लेकर जो प्रॉब्लम चली है, ये प्रॉब्लम काफी दिनों से चली हुई है। ये करीब साढ़े तीन मंथ होगी इसको। लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि हम चाहते थे कि ये जो डिस्प्यूट है वो इसको हम लोग आपसी उससे कर ले, खत्म करें। लेकिन क्या हुआ कि ये 3 महीने तक कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी जो गुहार है वो जिला प्रशासन से लगाई। इस मामले के बारे में जब नूरपुर खंड विकास अधिकारी प्रकाश चंद से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि रास्ते की लड़ाई के लिए महिला मंडल ने उनसे शिकायत की थी। एसडीएम नूरपुर के साथ मौका भी किया गया और प्रधान को बुलाकर उस रास्ते को खुलवा दिया, परंतु सूचना मिली है कि अगले दिन वो रास्ता फिर बंद कर दिया गया। उन्होंने अपने कार्यालय से 2 JEO को मौका देखने के लिए भेजा है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उस रास्ते की अच्छी तरह से नपाई की जाए। प्रधान महिला मंडल गई लंगूड अपनी पंचायत अपनी महिलाओं के साथ एसडीएम ऑफिस से मेरे कार्यालय में आए और रास्ते के बारे में कोई उनका झंझट था तो एसडीएम साहब ने भी मुझे बोला कि चलो हम भी साथ चलते हैं और आप भी चलो और हम साइड पर दोनों एसडीएम साहब और मैं भी मौका पर रास्ते पर निरीक्षण करने गए तो वहां पर देखा गया कि रास्ता जो था वो लगभग 4-5 फुट छोड़ा हुआ था और बाकी के ऊपर उन्होंने अपने डंडे जैसे गाड़े लगाए हुए थे। तो महिलाओं ने आग्रह किया कि आज शाम को हमारे बारात आनी है तो इस रास्ते को खुलवाओ जैसे मर्जी करो। तो महिलाओं की संख्या उस टाइम काफी थी तो एसडीएम महोदय और मैंने भी प्रधान महोदय को यही बोला कि भाई इनकी बारात की भी प्रॉब्लम है और इस रास्ते को खोलो, तब तक हम अपने कागजातों की शामिल कर लेते हैं कि रास्ता कहाँ से कहाँ तक कितने लंबा और कितना इसमें चौड़ाई वाला है छानबीन कर लेते हैं। तो अब मैंने जो है आज अपनी टीम जो है वहाँ भेजी हुई है तो उसका निरीक्षण करके जैसे रिपोर्ट आएगी तब इसकी जानकारी अलग से फिर दे पाऊंगा।